सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है नया दिन, नई शुरुआत हमारे नए हेयर स्टाइल के साथ। तो एक बार बताना, जैसे पिछला लोग देख लिया हो हमने, जिसमें हमने अपनी बालों की बलिदान दे चुका है, हमने नई कटिंग है, नए लुक के साथ आ चुके हैं। तो अगर कमेंट में बताना कैसा लगा, क्योंकि बाकी मेरे को ठीक लग रहा है, पहले से थोड़ा लुक चेंज होना जरूरी है। तो अभी टाइम चुली हो रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं। एंड मैंने आपको जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि आपके लिए न्यू सरप्राइज है, तो न्यू बीस्ट लेके आ चुके हैं हम। तो न्यू बीस्ट जो किसकी मैं बात कर रहा था, वो है हमारी नई गाड़ी। मैं एक बार दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी ली है हमने। तो जो हमने गाड़ी ली है वो है हमारी अफीम गाड़ी, पोलो TDI फोक्स वैगन की, जो हमारा है 2014 का मॉडल। तो ये मैंने अभी सेकेंड हैंड उठाई है, एंड ये 2014 का मॉडल है। मुझे यार काफ़ी दिनों से एक और गाड़ी की जरूरत थी, तो मैंने ये गाड़ी उठाई। अभी हो गया इस गाड़ी को 1-1.5 महीना हो गया है। इसके में छोटे मोटे भी काम इसके अंदर हो रहे थे, तो वो काम ही करवा रहा था। आपको जैसे पता है कि सेकंड हैंड गाड़ियों में यार काम तो होता ही, तो ज़्यादा इंजन वाइज गाड़ी बिल्कुल टिंच है, बस थोड़ा सा अंदर से थोड़ा छोटा मोटा काम था वो करवाना था। एंड फिलहाल भी अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे इसके सीट के बस मुझे नए लगवाने हैं, एंड टायर्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी काम करवाना है। बट फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे काम करवाना है, ये अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे जनता मोटर में, ये हमारे शहर में रोहतक में, ये अभी अपने भाई हैं, एक दीपक भाई, उन्हीं का है ये जनता मोटर। तो अपने खास मित्र हैं, इनसे ही हम अपनी गाड़ियाँ जितना भी काम होता है वो करवाते हैं। तो फिलहाल अभी जो गाड़ियाँ काम है वो अभी जैसे देख सकते हो हल्के फुल्के जैसे स्क्रैचेज वगैरह है इस गाड़ी में, एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक डिग्गी मारा डेंट भी है, तो डेंट निकलवाएंगे, एंड जो छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं ये ठीक करवाएंगे। एंड पूरी गाड़ी पर मैं रबिंग करवाने वाला हूँ, क्योंकि पुरानी होगी तो थोड़ी सी फिनिशिंग खत्म हो गई गाड़ी की, तो पूरी गाड़ी पर रमिंग वगैरह करवाएंगे, पॉलिशिंग करवाएंगे, जो हल्के हल्के जो डेंट वगैरह वो निकलवाएंगे। एंड आज मैं गाड़ी खड़ी पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी टाइम अभी 2:30 बज गए, तो अभी काम वगैरह है यहाँ पे, कभी और काम चल रहा है, तो शायद आज काम स्टार्ट ना हो, तो या तो कल सुबह करवाऊंगा मैं, या फिर देखते हैं जैसे भी होगा। बाकी फिलहाल गाड़ी का नाम भी करवाना था मुझे, ये एक्चुअली सेकेंड हैंड उठाई है, तो मैंने अभी नाम करवाऊंगा मैं अपने, तो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी वो भी भाई को ही दूंगा यहाँ पे मैं। एक्चुअली गाड़ी के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था गाड़ी का पूरा काम हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद बताऊंगा। बट आपको भी एक्सपीरियंस दिखाना चाहिए साथ साथ, जैसे क्या क्या काम कराता, तो मुझे लगा कि एक बार बता देता हूँ कि गाड़ी लिया मैंने, साथ साथ काम करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। तो मैंने पूरी गाड़ी की ड्राइक्लिंग करवा ली थी, एंड छोटे मोटे इसके अंदर और छोटे मोटे काम थे, जैसे हॉर्न वगैरह खराब हो गया था, हो रखा था इसका, वो हॉर्न लगवाया था, एंड अंदर इसका जो गेयर लीवर होता है वो चेंज करवाया था, एंड छोटे मोटे और भी चीज़ें थी वो जो उसकी ठीक करवाई हैं। फिलहाल अंदर से गाड़ी ठीक हो गई, बस अंदर से सीट कवर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम थोड़ा सा आगे महीने थोड़ा सा बजट होगा तब करवाएंगे। एंड टायर्स लगवाएंगे इसके अंदर, टायर्स एंड अलॉय करवाएंगे, टायर एंड अलॉय का जो सीट कवर का काम है वो साफ कराऊंगा। बट फिलहाल अभी बस थोड़ा बाहर से जैसे मैंने स्क्रैचेस दिखाए वो हल्के बोल के, एंड पीछे थोड़ा सा डिग्गी में हल्का सा डेंट है वो, एंड पूरी गाड़ी में रबिंग करवाएंगे। एंड इसमें ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन लगेंगे, अगर आज खड़ी करता हूँ तो मैं परसों तक मिल जाएगी, अगर कल सुबह ही खड़ी करता हूँ तो भी मैं 2 दिन में हो जाएगा काम। यहाँ पे अपने भाई हैं वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जितने भी मैं और भी गाड़ी जो हैं जो अपने रिलेटिव में है, या फिर जो मेरे पास एक और गाड़ी है मेरे पास, वो जो थोड़ा बहुत जो काम होता है मैं यहीं करवाता हूँ। एंड बाकी गाड़ी एक बार मैं आपको एक बार पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके लुक दिखाऊंगा, बट फिलहाल तो थोड़ा सा देख सकते हो आप। एंड ये TDI है, डीजल मॉडल है, एंड 2014 का, तो अच्छी है, एवरेज वगैरह भी अच्छी दे रही है, पावर तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक मुझे वैसे पता नहीं है, बट चलाने में भाई मक्खन गाड़ी है, इतने पुरानी होने के बाद भी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। एंड बस काम हम शुरू कराएंगे इसका, हम दिखाएंगे बाकी फिर एक बार जैसे काम हम होगा उसके आपके शॉट्स दिखाते रहेंगे, एंड फिनिशिंग होने के बाद आपको गाड़ी दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे ना इनके पास प्रॉपर पेंट बूथ है, तो अपनी गाड़ी का जो पेंट वगैरह होता है सारा अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स वगैरह है वो बाहर के डस्ट वगैरह लगते नहीं, तो पेंट अच्छे से होता है हो जाता है। फिलहाल एक और पोलो है हमारी जो यहाँ पे इनके पास अभी पेंट वगैरह चल रही है, एंड जो हमारे यहाँ पे जो पेंट करते हैं वो हमारे समीर भाई हैं, तो मैं समीर भाई से मिलाता हूँ। समीर भाई कैसे हो? तो ये समीर भाई है यहाँ पे हमारी, ये हमारी गाड़ी का डेंट पेंट सारा वो यही करने वाले हैं। काम कैसे करते हो भाई? बढ़िया करते हैं भाई, काम बहुत बढ़िया करते हैं, मैंने कई गाड़ियाँ भाई से करवा रखी हैं, तो काम में कोई शिकायत नहीं आती है। तो फिलहाल एक बार ये वाली गाड़ी हो रही है, ये कौन सी पोलो है, इसका क्या काम हो रहा है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस पोलो में भी थोड़ा डेंट वगैरह काम होता है, ये अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर जो गाड़ी पे प्रॉपर जो कवर करके जो क्या बोलते हैं इसको जो मास्किंग बोलते हैं ना, तो प्रॉपर मास्किंग करके गाड़ी का काम होता है, क्योंकि जिससे मतलब कि और जो पार्ट्स हैं उन पे पेंट की छिटी ना लगे, तो काम बहुत बढ़िया होता है, बूथ के अंदर काम होता है। तो जो अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट होगा वो दिखाएंगे आपको, एंड काम गाड़ी एक बार होने के बाद दिखाता हूँ कि कैसी गाड़ी चमक जाती है। एंड बाकी एड्रेस वगैरह का यहाँ पर डाल दूंगा मैं इसके लिंक वगैरह में, तो अगर आपको भी अपने रोहतक शहर में हो या आसपास कहीं पर भी हो, तो अगर आपको गाड़ियाँ काम करवाना है तो आप यहाँ पे आकर करा सकते हो।
अपनी फुल रेफरेंस है यहाँ पे। तो बाकी एक बार ये काम हो जाए फिर अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट होगा, तो उसके में अगर आज होता है तो आज दिखा दूंगा, नहीं तो कल होगा तो उसकी शॉर्ट्स वगैरह दिखा के फाइनल जो लुक आएगा वो दिखाऊंगा आपको गाड़ी का। तो फिलहाल जैसे मैंने बताया भाई की गाड़ी का थोड़ा काम करवाना था, तो गाड़ी तो मैंने दीपक भाई को सबमिट करवा दी है, उसका डेंट पेंट काम हो जाएगा। बट फिलहाल गाड़ी का जो नाम था वो नाम भी मुझे करवानी है, क्योंकि बिना नाम के गाड़ी चलाना सही नहीं है। तो ये जो पिछला ओनर था जो था उसके नाम थी गाड़ी, फिलहाल मैं अभी अपने नाम करवा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे है मोहित भाई है, कैसे भाई? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। तो मोहित भाई है यहाँ पे, तो अगर आपको गाड़ी का कुछ काम कराना डेंट पेंट का तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। गाड़ी का कोई नाम करवानी है, आरसी ट्रांसफर करवानी है, एनओसी चाहिए, तो वो सारा काम भी यहाँ पे हो जाएगा। सारा काम हो जाएगा भाई, इंश्योरेंस हो जाएगा, गाड़ी नाम हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, पुरानी गाड़ी नई गाड़ी जैसे भी। तो गाड़ी के रिलेटेड अगर कुछ भी आपको काम है तो भाई वन स्टॉप है, यहाँ पे आ जाओ। ये अपना जो है जींद बाईपास है यहाँ पे रोहतक में, एड्रेस वगैरह मैं आपको लिंक वगैरह डाल दूंगा, भाई का नंबर दे दूंगा। भाई अगर कोई भी अपनी रेफरेंस आता है तो काम बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो तो भाई यहाँ पे आ जाना, मोहित भाई मिलेंगे आपको, दीपक भाई मिलेंगे। तो गाड़ी से रिलेटेड नई खरीदनी है, पुरानी खरीदनी है, आपको बेचनी है, इंश्योरेंस करवाना है, डेंट पेंट करवाना है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आपको बस यहाँ पे आ जाओ, इनके शॉप दो ये करवा के दे देंगे। फिलहाल मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट थे भाई को दे दिए, भाई अभी एक्चुअली जो एनओसी थी वो यार वहाँ से कटवा के लेकर आनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर मेरे नाम होगी तो वो सारा काम मोहित भाई देख लेंगे। एंड फिलहाल इनको दे दिए, अब जो बड़ा है वो इनकी है, अब कुछ दिन में हफ्ते 10 दिन के अंदर अपनी आरसी नई बन के आ जाएगी, वो यहाँ पे आरसी का काम हो जाएगा। एंड फिलहाल जो डेंट पेंट का था वो काम भी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, उसके मैं अभी शॉर्ट्स वगैरह डाल दूंगा। एक्चुअली बाकी तो सारी चीजें इसके अंदर ठीक है, बट इसके ना एक इंजन चेक का साइन आ रहा है, पहले ये कभी आ जाता है कभी चले जाता है, तो एक बार स्कैनर लगा के चेक कर रहे हैं कि ये किस वजह से आ रहा है। तो एक बार इसकी एक समस्या भी आ रही है, इसी ये कंप्यूटर लगाने के बाद सारा स्कैन हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक दिक्कतें होती हैं सारी इसके अंदर दिखा देता है। सही कह रहे हो मंडी भाई? तो मंडी भाई देखेंगे इसकी क्या बीमारी चल रही है फिलहाल इसके अंदर, ये वाला साइन आ रहा है इसके अंदर फिलहाल। तो फिलहाल जो इसका कोड आया हुआ है कूलेंट पंप बी, इसके अंदर समस्या दिखा रहा है, देखते हैं क्या है, क्या चीज़ नहीं है। कूलेंट पंप कौन सा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है कि वैसे वाला है? ना नीचे वाला है, तो इलेक्ट्रिक पंप होता है ये। इलेक्ट्रिक काम क्या होता है इसका? कूलेंट को घुमाना, सर्कल तो घुमान तो ला कर, अगर ना घुमाता तो फिर गर्म हो जाती गाड़ी। ना ना स्पीड से नहीं घुमा रहा ना। अच्छा स्पीड कम है जो काम है पूरा नहीं करा प्रॉपर। पकड़ा इसकी यार गाड़ी हमारी, इसमें काम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे हम, इतना काम है इसमें अभी फिलहाल। इस प्रवेश की है ये गाड़ी, इस पे पंपर वंपर होना है। ये हैंडल दोनों दोनों बदलवा रहे तू, बस अगला मसला पेंट ना मरवा रहे इन पे। दूसरी सफेद है वो क्रीम है। तो भाई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, एंड भी जैसे दिखाया मैंने कि यार काम वगैरह भी चल रहा था दूसरी गाड़ी का, जो दूसरी पोलो थी, तो अभी शाम उसी गाड़ी में हो जाएगी, तो खड़ी करने का कोई फायदा नहीं था अभी। तो कल अपनी गाड़ी हम कल खड़ी करेंगे यहाँ पे जनता मोटर पे, एंड कल हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कल शायद डेंट पेंट का काम हो जाएगा, एंड परसों हमारी रबिंग वगैरह का काम हो जाएगा, तो परसों तक शायद शाम तक फाइनल हो जाएगी हमारी गाड़ी। एंड बाकी चलने में भाई गाड़ी मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइट बता रहा था मैं आपको, लाइट आ रही थी वो एक कूलेंट पंप भी होता है उसमें दिक्कत है शायद, वो चेंज करवाना पड़ेगा, तो वो 2,200 रुपये का पार्ट है वो, तो एक बार डेंट पेंट का काम हो जाए फिर वो भी चेंज करवाएंगे। फिलहाल जा रहा हूँ मैं घर, एंड शाम को भी 4 बज रहे कुछ खाई पियेंगे, एंड शाम को जिम मिलेंगे, 6 बजे जिम है, एंड आपको जिम दिखाऊंगा मैं, थोड़ा जिम अभी फिलहाल चेंज कर रखा है कुछ टाइम के लिए, तो जिम दिखाऊंगा, जिम वर्कआउट करेंगे आज अपना बढ़िया शोल्डर का। एंड बाकी कल चेस्ट, कल था हमारा बैक का वर्कआउट था, परसों हमने चेस्ट किया था, शायद शोल्डर का ही करने वाले, तो जैसा वर्कआउट रहेगा वो दिखाएंगे। एंड व्लॉग मैं तो बोलूंगा नहीं कि कंटिन्यू रहेंगे यार, हमेशा बोलता हूँ कि व्लॉग इस बार कंटिन्यू रहेंगे बट आ नहीं पाते, तो जैसे बोलेंगे नहीं इस बार ट्राई करेंगे कि व्लॉग कंटिन्यू आए। बाकी सीरीज इस पोलो की आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे काम होता रहेगा इसमें, इसको बढ़िया अपना प्रोजेक्ट कार बनाएंगे, इसका एक नंबर का बना देंगे इस गाड़ी को। बाकी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहो उसमें क्या कराना चाहिए मुझे और, तो आप सजेशन दे सकते हो। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो काम मैं अभी करवा रहा हूँ, बाकी
टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा बजट बनता रहेगा वैसे हम काम करवाते रहेंगे। फिलहाल आपको गाड़ी मैंने प्रॉपर दिखाई नहीं है, एक बार काम हो जाएगा फिर आराम से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इसकी, प्रॉपर दिखाऊंगा मैं। एंड बस फिलहाल अभी चलते हैं घर एंड मिलते हैं वो शाम को जिम में एंड वर्कआउट करेंगे हमारा। एंड वर्कआउट सीरीज भी अच्छे से लेकर आएंगे, थोड़ा सा दोबारा फिजिक में आ रही है बॉडी, थोड़ी कटिंग कर रही है अभी फिलहाल, तो मिलते हैं आपको शाम को जिम में। तो भाई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:10 एंड 4 मैं घर आ गया था, घर आके 1 रेस्ट करा, अब थोड़ा कुछ खा पी रहे एंड फिर चलेंगे 6 जिम में। एंड कंडीशन आप देख सकते हो ठीक ठाक हो रही है। एंड मैं क्या भी क्या खा रहा हूँ वो दिखाता हूँ एक बार आपको। तो अपने पास खाने में है 2 एंड 3-4 अंडों की मैंने भुजी बनाई है एंड दही एंड साथ में है ये बूंदी टेस्ट के लिए, तो ये खाते हैं एंड 1 बाद चलेंगे जिम एंड आज जो वर्कआउट करेंगे वो दिखाएंगे आपको। सो अभी की जो ये मील है ये ले लेता हूँ मैं एंड फिर चलते हैं जिम में एंड खाना टेस्ट बना है बढ़िया। एंड मील वगैरह मैं दिखाता रहता हूँ आपको क्या खाना चाहिए, क्या मतलब किस टाइम क्या मील लेनी चाहिए, बाकी दोबारा फिर से बना दूंगा मैं। एंड अभी करते हैं 6:30 के अराउंड जिम चलेंगे एंड वर्कआउट हमारा शायद आज शोल्डर का होने वाला है, बाकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो रही है, ठीक है इम्प्रूव हो रही धीरे धीरे। खा लेता हूँ फिर चलते हैं जिम एंड जिम जा कर मिलेंगे आपसे। कब जी लग रहा है ये गुड, इस पेट का भी कर लो कुछ, वो ब्रेक मार देंगे थोड़ा सा। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6 एंड जैसे कि आपको बताया दिख ला रहा है तो जैसे बताया था शाम को ना ठीक है, जैसे बताया था शाम को 6 का हमारा जिम का प्लान है, बट जिम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एक्चुअली। कल क्यों कहते बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है 101 में, अभी ये अभी शेर उसी की ट्राई वो कर रहा है। अरे पहले बुद्धि में होता कल के जिम में कैसे होगा, कल के जिम में कल भाई थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो रही है कुछ ना, वो नीचे तार ऐसे वो बिछा रखे हैं ना, रेनोवेशन चल रही काम चल रहा है उस मार्क करके, तो उसमें गर्मी की हीट की वजह से बस पार्किंग होगी, तो वहां पे लकड़ी वकड़ी थी वो काम की सारी, मतलब जो लकड़ी थी वो सारी जल गई, वहां पे मीटर वगैरह जल गया, मीटर भी जल गया, जान फर्शा बनीशान वगैरह हो गए, तो वो कल दिखाएंगे आपको। बट शाम को हम जिम कर रहे थे एकदम से लाइट चली गई थी 8 एंड 9 हम नीचे आए, जब जाके सीनरी पता चला, बट जब तक कह रहे थे कि नीचे प्रॉपर आग वाला लगी थी, हम ऊपर वर्कआउट कर रहे थे पता ही नहीं चला, तो आज उसकी वजह से जिम वगैरह बंद है। एंड अभी हमारे जागरा साहब आ गए कह रहे कि बाहर घूमने वाले चलेंगे, मुश्किल से आज छुट्टी मिली है, जिम नहीं चलना फिर आज, जिम नहीं चल, मैं तो कह रहा किसी और जिम में चलते हैं बट भाई मना कर रहे हैं, तो बट कोई इनकी तो दही बन गई है मना कर सकते हैं, बट हमारा क्या देखते हैं। बट अभी थोड़ा के बराबर तो नहीं, अभी कपड़े जी चेंज करते हैं फिर बाहर चलते हैं थोड़ा घूमते फिरते हैं, आज का जरूर बदल लेना थोड़ा, ये ऐसे ही है भाई हमारे पास यही है, ऐसे लेके चलता था नहीं लेकर आया देखी, तो यार कपड़े चेंज करते हैं फिर चलते हैं बाहर घूमते फिरते आज। आज की सवारी हमारी बुलेट, तेरा दोस्त मिल गया है, तेरा दोस्त सब के बस की ना है, चला नहीं भाई ये मेरे पास उड़ेगा। लड़की मस्त काय पीस तो यहाँ पर आए थोड़ी देर बैठ, यहाँ पे बैठते एक और हमारा खपाड़ी दोस्त आ रहा है, थोड़ी देर यहाँ बैठ के हम फिर चलेंगे शहर की तरफ, थोड़ी देर काफ़ी टाइम हो गया वैसे अब शहर वगैरह घूमने के, क्योंकि दिन में वैसे काम हो जाते हैं शाम को फिर हमारा जिम हो जाता है, तो घूमने वगैरह क्योंकि कॉलेज टाइम में होते थे या स्कूल टाइम में होते जब, तो शाम को शहर वगैरह पे घूमने निकल जाते थे, बट अब तो ऐसा रहा ही नहीं है, सब अपने कामों में लग गए, कोई ऑफिस कोई अपना वैसे अपना बिजनेस वगैरह, तो
हम शाम को एक दो घंटा टाइम लगता है तो अपना जिम हो जाता है। क्यों मत भाई, ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। कई दिनों बाद ऐसे मिले तो थोड़ा सा यहाँ तो ये थोड़ा आउटर सा एरिया है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, स्लाइस वाइस चल रही है हमारी, थोड़ा नज़ारा। कैसे नहीं बैठ गए ना पूरे जगह मेरा होगा जगह मेरे लिए चलेगा। एक आधी बात तो क्या देख लो, मैं फ्रंट क्या कर रहा है, तू बोलेगा मैं क्या बोलूंगा, लगा लो तो दिल दे दो, सेक्सी लग गया यार। अरे यार हाँ हाँ, मैं थोड़ी देख सही ला। अरे यार पैंट तो देख, बीस तीस रुपया का भाई। रुमाल रोटी रुमाली रुमाली समाप्ति का दिन की समाप्ति का टाइम आ चुका है एंड अभी आज दिन की शुरुआत हुई हमारी गाड़ी के साथ, खत्म हुई हमारी चाप के साथ। कैसे भी चाप बढ़िया, चाप बढ़िया रे भाई, सोरे ने कोई मारते हेमंत चांगड़ा साहब यो लेकर आया हमने, तो क्रेडिट गोज टू हेमंत चांगड़ा। बाकी चाप वगैरह अच्छी थी एंड गाड़ी हमने आज सबमिट नहीं करवाई, देखा हमने क्योंकि काम वगैरह वहाँ ज़्यादा था तो वहाँ खड़ी करने का कोई फायदा नहीं था। कल सुबह गाड़ी खड़ी करके आएंगे एंड शायद परसों शाम तक हमारी गाड़ी हमें फिनिश मिल जाएगी एंड गाड़ी के जो प्रॉपर वॉक अराउंड है वो एक बार गाड़ी कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिखाऊंगा आपको मैं। तो मैं यार जो है वो है यार लल्ला यार बात हो यार यार भाई दो दो मत कर नहीं बता दे जबरदस्त कौन सी अच्छी गाड़ी दिखाएंगे वीडियो में आप बताना आपको कैसी लगी, ये तो फालतू है फालतू है फालतू। तो इस वीडियो को इंक्लोज करते हैं, मिलते हैं नहीं है तो नहीं है साइनिंग आउट। सौ की 350-200 रुपए की है कटिंग, ही बताना कैसी लगी आपको, गाड़ी कैसी गाड़ी कैसी भाई वो बताओ व्यूअर्स बताओ।